हेलो बच्चों, मैं नेहा सर नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ कबीरदास जी की साखियाँ। तो कबीरदास जी के बारे में पहले जान लेते हम। कबीरदास जी जो है, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कहा जाता है और बहुत सारी किंवदंतियाँ अर्थात लोक प्रचलित कथाएँ हैं उनके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि ये इनका जो ईश्वरीय अवतार हुआ है, ईश्वर ने अवतार लिया इनके रूप में। कुछ लोग कहते हैं इनके माता पिता नीरू और नीमा हैं। पर कुछ लोग जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं हिंदी साहित्य के कि कबीरदास जी जो हैं इनके जो नाना थे वो रामानंद जी के भक्त थे और वो अपनी पुत्री जो कि विधवा थी उनको लेकर के उनके पास में जाते हैं। तो वो जो रामानंद जी थे वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं पुत्रवती भवा। विधवा स्त्री को आशीर्वाद उन्होंने दिया और उस समय के जो आशीर्वाद थे फलीभूत होते थे। तो उस विधवा स्त्री के गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ। कबीर का जब जन्म हुआ तो लोक लाज के डर से, समाज के डर से उन्होंने उस बालक को एक पिटारी में बिठा करके या कहो एक बक्से में बंद करके लहर तारा स्थान था, लहर तारा के पास जाकर छोड़ आती है। वहाँ से नीरू और नीमा की जो कि जुलाहा दंपति होती है वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो वो जो दंपति है वो उनको ले लेते हैं, वो निसंतान होती है। तो नीरू और नीमा जो दंपति थी बच्चों, वो निसंतान थी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो जब उन्हें वो बालक मिला, दूधमुहा बालक था, छोटा सा बालक था, तो उन्हें दया आ गई उस पर और उन्होंने उसको अपनाया और उसका पालन पोषण किया और उसका पालन पोषण करते करते उसको बड़ा किया और उन्होंने ही उसका नाम कबीर रखा था। बच्चों, कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। तो कबीरदास जी ने बचपन से ही, यानी उन्होंने अपने हाथ में कभी कागज नहीं लिया था, कभी उन्होंने स्याही को नहीं छुआ था। उन्होंने खुद कहा है, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि मैंने ना तो कभी कागज को छुआ ना मैंने कभी कलम को ही छुआ। अनपढ़ थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से, उन्होंने जो जीवन में सत्य देखा, उन्होंने जो चीज़ें महसूस करी, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से उकेरा। यानी उन्होंने उन दोहों को, उन साखियों को उन्होंने कहा, सत्य साखियाँ यानी उस सत्य की बात उन्होंने जो देखी थी वो उन्होंने कही और उनकी इन बातों को संग्रहित किया, उनकी इन बातों को सहेजा। उनके शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने उनकी रचनाओं को संकलित किया और उनको आगे की ओर बढ़ाया। तो जो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 में, सन 1398 में काशी में हुआ था और सन 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति काले निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। बच्चों, भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसमें दूसरे नंबर का काल आता है भक्ति काल। भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो संत काव्य, एक सूफी काव्य। तो संत काव्य जो है, संत काव्य के अंदर दो शाखाएं, एक तो ज्ञानेश्वरी शाखा और दूसरी है संत शाखा। तो ज्ञानेश्वरी शाखा के अंदर संत काव्य और सूफी काव्य दो तरह के काव्य थे। तो ज्ञानेश्वरी शाखा में जो था वो निर्गुण संत थे। निर्गुण कौन थे? जिन्हें जो ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे, जो यही मानते थे कि ईश्वर एक है और आत्मा परमात्मा का मिलन ही जो मुक्ति होती है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे बच्चों, वो भजन भाव करते थे, सत्संग करते, नाम स्मरण में वो ज़्यादा भाव रखते थे। तो वो नाम को ही ज़्यादा महत्व देते थे, भगवान के नाम का स्मरण करने को ज़्यादा महत्व मानते थे। तो निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि, ऐसे मान लो प्रवर्तक कबीरदास जी को ही कहा जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से कबीर ग्रंथावली में संकलित है। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, जिसका संकलन अर्जुन देव जी ने किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत थे वो, उनकी गृहस्थी थी, दो एक बेटा और एक बेटी थे उनके। इनकी पत्नी का नाम लोई था, बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। एकता, राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड वो नहीं मानते थे कि राम और रहीम अलग अलग, वो यही मानते थे कि ईश्वर एक ही और हम उसके संतान हैं, इसलिए हमें ईश्वर के नाम पर भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। तो धर्म के नाम पर जो पाखंड होता था उसे भेदभाव और कर्मकांड का खंडन उन्होंने किया। कर्मकांड यानी हम धर्म के लिए कौन कौन से कर्म करते हैं, कोई हवन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई कवाली करवाता है या कोई सत्संग करवाता है, तो ये सब चीज़ें क्या आती, दिखावा माना है इन्होंने सब चीज़ों को।
उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की ईश्वर प्रेम ज्ञान तथा वैराग्य गुरु भक्ति सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में प्रकट हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कहने का तात्पर्य है उनके जो अनुभव थे उन अनुभवों को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से पिरोया और शब्दों को उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया। देखते हैं इनके दोहे अब तो पढ़ना शुरू करते हैं। कबीर की साखियां, साखियां यानी सच्ची बातें, ठीक है। जाते ना पूछो साधु की, बच्चों ये साधु है, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब यहाँ पर जो कबीर दास जी है इन्होंने संगति के बारे में बताया है कि संगति जो होती है वो इतनी प्रबल होती है कि उस संगति के आगे हमें किसी भी चीज का बाहरी वस्तु का हमें मोल नहीं करना चाहिए। हमें अंदर मन में उनके क्या है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें साधु व्यक्ति जो होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, हमें उनकी जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें उनकी जाति से कुछ लेना देना नहीं होती है, जाति के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान की कीमत होती है। वैल्यू किसकी होती है? उनके ज्ञान की होती है। उनमें कितना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, वैल्यू महत्व हमेशा मूल्य जो होता है उनके ज्ञान का होता है, ना कि उनकी जाति का होता है। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान, कि मोल जो होता है वो तलवार का होता है, उसको रखने वाली म्यान का नहीं होता। म्यान क्या है? बाहरी वातावरण, बाहरी वस्तु है, बाहरी ढांचा है उसका, लेकिन कार्य कौन करता है? तलवार करती है। तो जिस प्रकार मूल्य जो होता है, महत्व जो होता है, तलवार का होता है, ना कि म्यान का, उसी प्रकार साधु जो होते हैं उनके ज्ञान की पूछ होती है, उनके ज्ञान की ज्ञान का महत्व होता है, ज्ञान का मूल्य होता है, इसलिए हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, हमें साधुओं की जाति नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए, उनके पास जो ज्ञान का भंडार होता है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। जैसे मोल हमेशा तलवार का करना चाहिए, म्यान को साइड में रहने देना चाहिए, म्यान को हमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि काम आने वाली चीज कौन है? तलवार। नेक्स्ट देखते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक ही एक। बच्चों आपने घर में देखा होगा, आपके घर में जब झगड़े होते हैं, उन झगड़ों के अंदर अगर बराबर के लड़ने वाले होते हैं तो वह झगड़ा बहुत ही मुश्किल से शांत होता है, लेकिन अगर एक जना बोलता है दूसरा जना चुप रहता है तो झगड़ा बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है, ये कहा है कि गाली जब आती है तो एक होती है, उलटत होई अनेक, लेकिन जब वो वापस जाती है तो वो बहुत सारी बन जाती है। अर्थात जब हम किसी को, जब कोई हमें अपशब्द कहता है तो वो अपशब्द केवल एक या दो शब्दों के रूप में आता है, लेकिन जब हम दोबारा उसका जवाब देते हैं, हम उसका प्रत्युत्तर करते हैं, तो वो दो अपशब्द कहे हुए 10 अपशब्दों में या उसकी जो मात्रा होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उलटत होई अनेक, यानी जाते समय वो बहुत सारी हो जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप उन गालियों का उत्तर नहीं दे रहे हो, अगर आप उन अपशब्दों का उत्तर नहीं दे रहे हो, तो वह एक अपशब्द एक ही बनकर रह जाता है। अर्थात आपसे कोई गलत कह रहा है, आपको कोई अपशब्द कह रहा है, अगर आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हो तो वो कहने वाला व्यक्ति अपने आप ही कहकर के चुप हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके उत्तर का प्रत्युत्तर दे रहे हो तो वो जो दो या तीन जो अपशब्द हैं वो बहुत सारे अपशब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दो आप कहोगे, फिर चार वो कहेगा, फिर चार आप कहोगे, फिर छह वो कहेगा। तो इस प्रकार जब कोई आपको अपशब्द कह रहा है, कोई गलत वाणी आपके लिए काम में ले रहा है, कोई गलत बोल रहा है आपको, तो आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो अगला व्यक्ति बोल बाल के अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि उसे पता, उसे समझ में आ जाएगा कि इस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए जब हमें कोई गाली देता है या कोई हमें अपशब्द देता है तो हमें चुप रहना चाहिए, कहने वाला अपने आप बोल बाल के शांत हो जाएगा। तो आवत गाली ये है कि आते समय तो गाली एक ही होती है, लेकिन जब वापस जाती है, उलटत हुई है ने, जब वापस जाती है तो बहुत सारी हो जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी उनका जवाब नहीं देना चाहिए, वही एक ही एक। इस प्रकार वो एक जो गाली है वो एक ही रह करके बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ ही फिरे मुख माही, मनवा तो दाऊ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब यहाँ पर उन पाखंडी लोगों के लिए यहाँ पर कबीरदास जी ने वर्णन किया है कि ऐसे लोग जो माला तो हाथ में ले लेते हैं और मुख से राम 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 का भजन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, यानी उनका जो
जो उनकी जो जीवा है वो तो नाम सुमरण कर रही है, लेकिन उनका मन और मस्तिष्क जो है वो कहीं और ही विचरण कर रहा है। उनको दुनिया की दुनियादारी की चिंता लगी हुई है, वो मुख से केवल राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में उसके लिए कोई भाव नहीं है। तो ये सब व्यर्थ है। यह तो सुमरण की यह स्मरण नहीं होता है। भगवान का अगर आप ध्यान करते हो तो आपको पूरी श्रद्धा से एकाग्र हो करके हर दुनियादारी को छोड़ करके सांसारिक मोहमाया को त्याग करके उनका ध्यान करना पड़ता है। आपके चित्त को आपके मस्तिष्क को भगवान में लगाना पड़ता है, तभी आपका जो ध्यान है आपका जो स्मरण है वो क्या माना जाता है, पूर्ण माना जाता है, साकार माना जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो हाथ में तो माला ले लेते हैं, माला तो कर में फिरी, कर यानी हाथ, तो माला तो हाथ में लेकर के फिरते हैं, जी भी फिरे मुख माई और जीव जाए मुख में राम राम करके फिरती रहती है, मनुआ तो दाऊ दसी फिरे, लेकिन उनका जो मन है वो स्थाई नहीं है। वो दुनिया भर की चिंता करता रहता है कि आज ये नहीं करा, मान लो कोई स्मरण कर रहा है, स्मरण करते करते उसे अचानक याद आया कि अरे खाना तो खाया ही नहीं है, तो उसका ध्यान भग्न हो जाता है, ध्यान जो उसका है वो भंग हो जाता है। तो ऐसे ही उनका जो मन है वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है। यह सुमिरन नहीं होता। भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का ध्यान लगाने के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है, ध्यान को केंद्रित करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, कबीर घासना निंदिए जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि छोटी से छोटी वस्तु जो होती है हमें उसको महत्वहीन नहीं मानना चाहिए, हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे कबीर घासना निंदिए कि घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पांव तली हुए, जो हमारे पांव के नीचे घास के तिनके हैं ना छोटे छोटे, हमें उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उड़ी पड़े जब आँख में, कि अगर उड़ करके वो आपकी आँख में गिर जाता है खरी दुहेली हुए, तो वो भी बहुत पीड़ादायक होता है। घास का तिनका अगर आपकी आँख में चल जाता है तो भी वो बहुत पीड़ा देने वाला होता है बच्चों। जैसे आपने बचपन में खरगोश और शेर की कहानी सुनी होगी ना बच्चों, कौन सी वाली, देखो बताती हूँ आपको। देखो खरगोश और चूहे की कहानी कैसी है कि एक जंगल में एक शेर रहता था जो कि जंगल के जानवरों को धीरे धीरे करके खा रहा था, समाप्त कर रहा था। तो जंगल के जो जानवर थे बाकी, उन्होंने ये योजना बनाई कि अगर ऐसे शेर करेगा तो हम तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हम में से कोई ना कोई एक जानवर रोज शेर के पास जाएगा और उसका भोजन बनेगा, इस प्रकार हम लोग भी ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे और शेर का भी भोजन बन जाएगा। तो सब बात ये सब प्रस्ताव लेकर के शेर के पास जाते, तो शेर बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। धीरे धीरे करके एक एक यानी प्रतिदिन एक एक जानवर उठ के पास जाता था, उसका भोजन बनता था। ऐसे एक दिन एक खरगोश की बारी आई, तो खरगोश के जो घर वाले थे वो बहुत दुखी थे कि आज हमारे बेटे का अंतिम दिन है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको मतलब भावभीनी विदाई दी। तो वो आते समय उसको जो खरगोश था वो जैसे वहां से रवाना हुआ, उसे रास्ते में एक कुआं दिखा, कुएं में उसने झांक कर देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब नजर आया। जब उसे अपना प्रतिबिंब नजर आया तो उसे एक योजना सूझी, बहुत समझदार था वह खरगोश। तो जैसे ही उसने वहां देखा तो उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। वो बहुत देर से यानी बहुत विलंब करके वो शेर के पास में गया। अब शेर ने जब उससे देखा कि एक तो तू इतना सा है, इतना छोटा सा है, पता नहीं मेरी भूख शांत होगी या नहीं, ऊपर से तू देर से आया है, ये तो बहुत बुरी बात है, मैं तुझे खाकर अभी अपनी भूख मिटा लेता हूँ। लेकिन जब उसको खाने लगता है शेर खरगोश को, तो खरगोश उसे रोक देता है कि महाराज मैंने देर क्यों करी पहले ये तो जान लो। तो बोलता है बता तूने देर क्यों की। तो उसे कहते हैं कि मुझे है ना उस कुएं के पास में एक दूसरा शेर मिल गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। अब शेर जंगल का राजा, उसे जब ऐसा सुना कि कोई दूसरा शेर जंगल में आ गया है तो उसे ईर्ष्या हुई, उसे लगा उसका दुश्मन है। तो वो बोलता है कहाँ है शेर, तुझे खाने के लिए दूसरा शेर आया था, मुझे उसके पास लेके चल। तो वो उस शेर को, जो खरगोश था छोटा सा, वो उस शेर को उस कुएं पे ले जाता है और उस कुएं में उसका अपना प्रतिबिंब दिखाता है। तो शेर जो होता है वो उस कुएं वाले प्रतिबिंब को समझता है कि दूसरा शेर है। तो जैसे ही वो प्रतिबिंब में आवाज़ करता है कि कौन है तू, दहाड़ता है, तो वो कुएं का जो कुएं में जो उसकी आवाज़ जाती है वो वापस लौट के आती है, यानी गूंजती है ना आवाज़, कुएं में हम आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है। तो जैसे ही शेर ने आवाज़ करी तो उस कुएं की आवाज़ से वो वापस बाहर आई, तो शेर को लगा कि ये वास्तव में कोई दूसरा शेर है। तो वो गुस्सा हो गया, क्रोधित होकर कुएं में उस प्रतिबिंब के ऊपर झपट्टा मार के जैसे ही वो अंदर जाता है वो उसमें डूब के मर जाता है। इस प्रकार उस छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पे योजना बना करके उस इतने बड़े शेर का काम तमाम कर दिया था। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि हमें छोटी से छोटी वस्तु को भी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे जो घास का तिनका जो हमारे पैर के नीचे आ रहा है, वो तिनका भी अगर
हवा चलने पर हमारी आँख में चला जाता है, तो वो भी बहुत पीड़ादायक होता है, हमारी आँखों को बहुत पीड़ा देने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आपका मन शीतल है, अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप शांत रहने वाले इंसान हैं, क्षमा करने वाले इंसान हैं, तो इस संसार में आपका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। ठीक है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए, कि या अपने आप को जो महत्व देता है, जिसमें अहंकार नहीं होता है, घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो सब पर दया करता है, ऐसे व्यक्तियों का इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता, कोई भी वैरी नहीं होता, क्योंकि वो सबको क्षमा करते हैं, सबको अपना मानते हैं और सबको एक मान करके भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ऐसा करने पर इस संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, और हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमारे भी कोई दुश्मन ना हो बच्चों। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हमें दुनिया में किसी से भी बैर भाव नहीं रखना चाहिए, हमारे मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। तो ये था हमारा कबीर जी की साखियाँ। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।